बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चंस। इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। ए किंग वंस थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के मन में विचार आया कि वह अगर 3 प्रश्नों का उत्तर जान ले तो वह कभी असफल नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट द राइट टाइम वाज टू बिगिन समथिंग। किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। सेकंड, विच पीपल ही शुड टेक ए एडवाइस फ्रॉम, कि किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए। थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ टू डिसाइड व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू वाज, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ही सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। ही प्रोमिस टू गेव ए रिवार्ड ऑफ ए लार्ज सम टू द पीपल हु आंसर्ड हिज 3 क्वेश्चन। उसने अपने दूतों को राज्य में भेजा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो इन 3 प्रश्नों का जवाब देगा और उनको इनाम भी मिलेगा। मैनी वाइज मैन ट्राइड देयर लक, अनेक बुद्धिमान लोगों ने अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की। दे गेव ए नंबर ऑफ आंसर, उन्होंने उत्तर, उनमें से एक ने आंसर दिया। एक ने कहा कि सम सेड दैट द किंग शुड गो बाय ए टाइम टेबल। एक ने जवाब दिया कि राजा को समय सारणी बना लेनी चाहिए। अदर साइड दूसरे ने कहा दैट द किंग शुड डू वॉट एवर सीम्ड टू हिज हिम नेसेसरी एट द मोमेंट। दूसरे ने कहा कि राजा वही करे जो उसी समय आवश्यक लगे। येट अदर्स सजेस्टेड, और तीसरे ने कहा कि दैट सजेस्टेड, सलाह दी दैट कि द किंग शुड कंसल्ट वाइज मैन और मैजिशियन, कि राजा मतलब बुद्धिमान लोगों से और जादूगरों से बात करनी चाहिए। राजा को बुद्धिमान लोगों से और जादूगरों से बात करनी चाहिए। आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के जवाब में, सम गेव टॉप इम्पोर्टेंस टू हिज काउंसिलर्स, अदर्स टू प्रिस्ट एंड येट अदर टू डॉक्टर्स और टू सोल्जर्स। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राजा को पार्षदों, पुजारी, वैद्य अथवा सैनिकों से बात करनी चाहिए। काउंसिलर्स होता है पार्षद, प्रिस्ट होता है पुजारी, डॉक्टर्स चिकित्सक, सोल्जर्स सैनिक, इनसे बात करनी चाहिए। इन रिप्लाई द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा द वाइज मैन गेव इम्पोर्टेंस टू साइंस और फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप, कि तीसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विज्ञान, युद्ध अथवा धार्मिक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा इन संतुष्ट नहीं हुआ। ही वेंट टू ए हर्मिट हु लिव्ड इन द जंगल अलोन, वह एक साधु से मिलने जाते हैं जो कि एक जंगल में अकेले रहते हैं। देर ही सा द ओल्ड एंड वीक हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, वह वहाँ देखता है कि एक बूढ़ा और कमजोर साधु डिगिंग मतलब खोद रहा होता है ग्राउंड मतलब धरती को, कमजोर और बूढ़ा साधु धरती को खोद रहा होता है। द किंग आस्किड हिज क्वेश्चन पुट गोट बट गोट नो आंसर, राजा ने अपने जवाब क्वेश्चन पूछे लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। देन द टुक द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट, स्पेड होता है फावड़ा, एंड बिगेन टू वर्क इन हिज प्लेस, वह तब वह राजा उस साधु के हाथ से वह फावड़ा ले लेता है और धरती को उस जगह को खोदना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। सेवरल आवर्स पास्ट, अनेक घंटे बीत जाते हैं। इट वॉज इवनिंग, शाम हो जाती है। सो द किंग स्टॉप डिगिंग द बेड्स, राजा उस जगह को खोदना बंद कर देता है। द किंग वॉज रेडी टू टेक लीव फ्रॉम द हर्मिट, जैसे ही राजा वहाँ से चलने को होता है, जस्ट देन द हर्मिट टोल्ड दैट समवन वॉज रनिंग टुवर्ड्स देम, तभी सन्यासी कहता है कि उनकी ओर कोई भागा चला आ रहा है, उनकी ओर कोई दौड़ा चला आ रहा है।